हेलो एवरीवन, वेलकम टू शमीम्स किचन। आज हम बना रहे हैं पुरानी दिल्ली की बहुत ही फेमस असलम बटर चिकन सीख कबाब की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस और लाजवाब बनता है और बहुत आसानी के साथ इसे बना सकते हैं, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन सीख कबाब बनाने के लिए हमने 700 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसे वॉश करने के बाद ड्राई कर लेना है। किसी छन्नी में 15 से 20 मिनट के लिए रख दें, जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देना है। अब इसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। इसके साथ ही हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देते हैं। अब इसमें 2 टीस्पून सीख कबाब मसाला ऐड कर देंगे। हमने शान का सीख कबाब मसाला ऐड किया है, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर खुशबूदार मसाला आप घर पर बना सकते हैं, जैसे कि 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 जावित्री, 4 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 पीपली या लौंग पेपर। इन सभी खड़े मसालों को ग्राइंडर जार में पीस कर और इसमें ऐड कर दीजिएगा। और अब बाइंडिंग के लिए एक ब्रेड को तोड़ कर डाल देंगे, या फिर आप 2 चम्मच बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद 3 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल देना है। इसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसके बाद एक बड़े साइज़ के प्याज को ग्रेट कर लेना है ग्रेटर से, और इसे निचोड़ कर सारा पानी निकाल लेंगे और प्याज को इसमें ऐड कर देना है। साथ ही इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब इसमें 1 चम्मच घी या बटर ऐड कर देना है। अब इसके बाद 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे, साथ ही इसमें 1 मुट्ठी फ्रेश पुदीना डाल देना है। और अब मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे आधे घंटे मैरिनेशन के लिए रख देंगे और उसके बाद ग्राइंडर जार में डालकर बारीक पीस लेना है। और अब हमें कबाब के लिए हरी चटनी तैयार कर लेनी है, जिसके लिए 1 मुट्ठी हरा धनिया ले लेना है, 1 मुट्ठी लेंगे पुदीना और 2 से 3 हरी मिर्च ले लेंगे। ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डालकर चटनी बना लेंगे। तो यहाँ देखिए, हरी चटनी रेडी हो चुका है, इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पर हमने एक बोल लिया है, जिसमें 1 कप दही ऐड कर देंगे। अब इसमें 1/2 कप फ्रेश क्रीम ऐड कर देना है। और जो हमने हरी चटनी अभी बनाकर तैयार किया था, उसमें से सिर्फ 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, रेडी हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर देते हैं और अब इसे दोबारा से मिक्स कर लेना है। और अगर आपको ये थिक लग रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं इसे रनी बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने चिकन को ग्राइंडर जार में डालकर बारीक पीस लिया है। और अब एक बड़े से बॉल के बराबर कीमा लेंगे और सीख कबाब का शेप बना लेना है। स्कीवर में डालकर इस तरह से बना लेंगे। तो अब ये सीख कबाब रेडी हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सभी सीख कबाब को बनाकर रेडी कर लिया है। अब एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल के गर्म हो जाने के बाद इसमें कबाब को डाल देंगे। और जब कबाब पर एक तरफ से सुनहरा कलर आ जाएगा, तो इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। अगर आपके पास बारबेक्यू है, तो कबाब को उसमें भी सेक सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब कबाब को दूसरी तरफ से पलट देते हैं।
और सीख कबाब को हर तरफ से सुनहरा कलर आने तक पका लेना है। तो यहाँ देखिए कबाब रेडी हो चुके हैं, अब निकाल लेते हैं। और इसी तरह से बाकी बची कबाब को भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। हर तरफ से इसे अच्छी तरह से पलटते हुए पका लेना है, कच्चा नहीं होना चाहिए अंदर से। और अब आप देख सकते हैं कि दूसरे बैच के कबाब भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसे हमने हर तरफ से अच्छी तरह से पका लिया है और अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसके बाद सभी सीख कबाब को एक प्लेट में अरेंज कर लेना है। अब इसके बाद दही और क्रीम का बैटर डाल देंगे जिसे हमने तैयार किया था, साथ ही इस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देना है और लास्ट में इसके ऊपर बटर डाल देंगे। बटर इसमें ज़्यादा डाला जाता है लेकिन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें बटर ऐड कीजिएगा। और अब लच्छेदार प्याज से गार्निश कर लेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर हरी चटनी डाल देंगे। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी असलम बटर चिकन सीख कबाब की रेसिपी रेडी हो चुका है। आप इसे रुमाली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।